हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार और सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अवघट्यों में प्रवाहित की जाए तो, यानी विद्युत धारा की मात्रा कैसी है? समान। विद्युत अवघट्य कैसा है? अलग अलग। यानी विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अवघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसी के तुल्यांक की भार के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं एम समानुपाती ई, एम समानुपाती ई, या ई क्या है? ई बराबर तुल्यांक की भार, क्या है? तुल्यांक की भार, यानी एम समानुपाती ई। यदि दो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, दो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा M1 व M2 है, वह तुल्यांकी भार E1 व E2 हो तो, यानी इलेक्ट्रॉन पर धारी मात्रा के अंदर एक पर M1 दूसरी M2 और तुल्यांक भार E1 व E2 हो तो, हम कह सकते हैं M1 बटे M2 बराबर E1 बटा E2, M1 बटा M2 बराबर E1 बटा E2, ठीक है। हम जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से M1 बराबर W1 IT, M1 बराबर W1 IT व M2 बराबर W2 IT। M1 बराबर क्या है? W1 IT और M2 बराबर W2 IT। तो क्या लिख सकते हैं अपन? W1 IT अपॉन W2 IT बराबर E1 बटा E2, ठीक है। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपना? W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, यानी W बराबर E, W बराबर E, ठीक है। तो W क्या है अपना? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। E क्या है? तुल्यांक की भार, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं किसी विद्युत अवघट्य का उसका तुल्यांक की भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, ठीक। ये तो था अपना फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अवघट्य में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक की भारों के समानुपाती होती है, यानी एम समानुपाती ई क्या है? तुल्यांक की भार, ठीक। यानी दो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा एम1 व एम2 है, वह उनके तुल्यांक की भार ई1 व ई2 हो तो M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2, ठीक है। हम जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से M1 बराबर W1 IT व M2 बराबर क्या आ रहा था अपना? W2 IT। तो W1 IT अपॉन बटा W2 IT बराबर E1 बटा E2। तो IT से IT क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचा अपना? W1 अपॉन W2 बराबर E1 बटा E2, यानी अपन कह सकते हैं W बराबर E, यानी W समानुपाती E, यानी किसी पदार्थ का उसका
वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ही उसके तुल्यांक की भार के बराबर होता है। ठीक है, ये तो था अपना फैराडे का द्वितीय नियम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।